अब हम बनाएंगे एक अनएंडिंग ट्रायंगल। उसके लिए सबसे पहले आपको ऐसे पैरेलल में तीन लाइनें खींच देनी है और उसके टॉप पे एक स्क्वायर बना देना है उन तीनों लाइन को जोड़ते हुए। अगर वीडियो की स्पीड आपको तेज़ लग रही है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, उसको रोक कर देख सकते हैं और ईजली लाइंस बना सकते हैं जैसे मैं बना रही हूँ। अब यहाँ पे लाइन बना के कंप्लीट हो गया है। तो ये जो पॉइंट्स हैं जहाँ मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे आपको इरेज कर देना है और नीचे की भी एक लाइन आपको इरेज करनी पड़ेगी और एक लाइन बस यहाँ आखिरी में बनानी है और ये इसका कंप्लीट लुक बन गया है। अब स्केच पेन से जितनी भी लाइंस बनाई है सबको जोड़ते जाओ। देखो ऐसे बन गया है, लग रहा है ना अमेजिंग। अब एक चारकोल पेंसिल हो या सिंपल सी पेंसिल ले सकते हो, उससे एकदम डार्क शेड करना है उसको। और ये जो दूसरा पार्ट है उसको एकदम लाइट शेडिंग देनी है हल्के हाथों से। अब एक एयरबड लो या फिर स्टम्प ले लो जैसे मैंने स्टम्प लिया है और उससे स्मच करते हुए फैलाते हुए आखिरी तक के उसको फैला दो और फिर उसके बाद जो डार्क शेड था उसको फैला देना है स्टम्प से। तो ये इसका फाइनल लुक है, लग रहा है ना बहुत ही ट्रिकी सा। अब चलते हैं पोर्च डिज़ाइन पे। सबसे पहले एक प्लेन पेपर लो, उसके ऊपर अपने हिसाब से बड़े छोटे सर्कल्स ड्रॉ कर लो। अब मैं एक ब्लू पेंसिल और स्केल के हेल्प से लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ, आप ब्लैक पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। और दो लाइंस के बीच में इक्वल डिस्टेंस रखना है, आप चाहे तो एक नॉर्मल पेज का रेफरेंस ले सकते हो। अब जो सर्कल बने थे उसके ऊपर हम कर्व करते हुए दोनों लाइनों को जोड़ देंगे। पेंसिल की हेल्प से जो सर्कल्स बने हैं हम उसको ट्रेस करेंगे और सिर्फ नीचे के पार्ट से ही ट्रेस करेंगे। हल्के हल्के से सारे सर्कल्स को हम शेडिंग दे देंगे। अब जहाँ जहाँ हमने शेडिंग करी है उसको हम स्टम्प से फैलाएंगे या तो ईयरबड से भी फैला सकते हो अगर ईयरबड हो पास में तो, और उसी की हेल्प से हम अब पूरे सर्कल को कवर कर देंगे। और ये जो सर्कल के साइड में मैं शेड कर रही हूँ वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको भी वो करना है, स्किप नहीं करना बिल्कुल। अब मैंने वाइट पेंट लिया है, अगर वाइटनर हो आपके पास तो वो भी यूज़ कर सकते हो। जहाँ जहाँ मैंने वाइट पेंट लगाया है आपको भी वहीं पे वाइट पेंट या फिर वाइटनर यूज़ करना है। लग रहा है ना बहुत ही सुंदर, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। थैंक यू।